और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर झाबुआ से सामने आ रही है। अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। पुलिस ने अवैध शराब का कंटेनर यहां से पकड़ा है। कंटेनर से 81 लाख की शराब बरामद की गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी यहां पर गिरफ्तार किया है। तो अवैध शराब को लेकर पुलिस ने ये बड़ा शिकंजा कसा है। कंटेनर से 81 लाख की शराब बरामद की गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया, दोनों से पूछताछ की जा रही है। तो अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। और चलिए हमारे सहयोगी आलोक इस वक्त जुड़ गए हैं। आलोक, 2 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, अब कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी और पूछताछ में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? ये पूरा मामला है पिटोल पुलिस चौकी का, जो नेशनल हाईवे बैतूल अहमदाबाद है इस पे स्थित है। यहाँ पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कंटेनर को रोका था, जिसमें पंजाब से यह अवैध शराब लाई जा रही थी और जो गुजरात जा रही थी, क्योंकि गुजरात में शराब बंदी है और वहां पर यह शराब खपाई जा रही थी। इसको पिटोल पुलिस ने जब कंटेनर को खोला तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा था, उसके पीछे 939 पेटी के लगभग विभिन्न ब्रांड की शराब रखी थी। इसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। अभी जिस प्रकार के हमारे पास अपडेट है, दोनों से पूछताछ जारी है कि किसने मंगाई थी, कहां जा रही थी, कहां से शराब भरी थी और गुजरात में किसे दिया जा रहा था, इसकी पूरी पूछताछ की जा रही है। पुलिस हो सकता है इस मामले का कल खुलासा भी करे कि इसमें और कौन आरोपी है और कहां से शराब आ रही थी। बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई, पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। क्या किसी और लोगों की यहां पर गिरफ्तारी हो सकती है? और जिस तरीके से यहां पर शराब बरामद हुआ है, क्या इसके पीछे एक बड़ा सिंडिकेट काम करेगा? जी हाँ बिल्कुल, देखिए एक सिंडिकेट काम कर रहा है कि आप देखिए कि पंजाब से लगाकर इतने प्रदेश इस कंटेनर ने पार किए और जो गुजरात बॉर्डर है एमपी से लगा हुआ पेट्रोल, यहाँ पर यह ट्रक पकड़ना आया, मतलब यह सिंडिकेट एक प्रभावी सिंडिकेट हो सकता है और इसको गुजरात में खपाया जा रहा था क्योंकि गुजरात में शराब बंदी है और वहां पर शराब ले जाई जा रही थी। अब इसमें जो पूछताछ है उसमें यह हो सकता है कि शराब जो पंजाब से लाई जा रही थी किसकी शराब थी और कौन इसको डील कर रहा था, सिंडिकेट में कौन कौन लोग हैं, ये नाम भी पुलिस की पूछताछ में सामने आ सकते हैं और पुलिस हो सकता है कि इस पर पूछताछ के बाद कार्रवाई करे। बिल्कुल, चलिए आलोक बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। अब देखना होगा कि आगे पुलिस किस तरीके से इस कार्रवाई को बढ़ाती है। चलिए